नमस्कार कैसे हैं आप वैकल्पिक चिकित्सा से मैं निर्दोष कौशिक योगा से सब कुछ होगा ये आपने सुना है तो वास्तव में योग और आयुर्वेद सब कुछ संभव है उसमें ये रोगों के निवारण में बहुत ही असरदार और कारगर सिद्ध होते हैं आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करूंगी चिंता जो आज हर किसी को व्याप रही है तो आयुर्वेद में एक चिकित्सा है अपनी निदान चिकित्सा जिसमें हम रोगों से आपको रूबरू करवाते हैं कि किन कारणों से होते हैं क्यों होते हैं कैसे होते हैं और इनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है तो आइए हम चलते हैं चिंता क्या है चिंता के विषय में हम चर्चा करेंगे देखो मित्रों अधिकांश तह चिंता हमारी किसी न किसी मूर्ख कल्पना से जन्म लेती है बहुत सी चिंताएं ऐसी होती हैं जो वास्तव में कुछ नहीं होती और हम उसके विषय में चिंतित होते हैं हम अपने जीवन बहुत सी ऐसी बातों की चिंता करते हैं जो संभव नहीं है और बहुत सारा समय हमारा व्यतीत हो जाता है हर चिंता अपनी कार्य करने की क्षमता को कम करती है देखिए वैसे तो जिसको चिंता होती है वही जानता है लेकिन हाँ अक्सर सब सलाह देते हैं चिंता मत कीजिए तो वास्तव में चिंता मत कीजिए क्योंकि चिंता शरीर में विकृति पैदा कर देती है एक एनेजाइटी डिसऑर्डर पैदा करती है और फिर ये इतना बढ़ जाता है कि रोगी की स्थिति एकदम विकृत हो जाती है और ऐसी विकृत होती है कि फिर बहुत ज्यादा हाइपर होने के बाद में जीवन दूभर हो जाता है बेकार हो जाता है और व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता इतना आतंकित हो जाता है व्यक्ति इतना डर इतना बढ़ जाता है कि उसका नॉर्मल बिहेवियर जो है बिल्कुल बदल जाता है और फिर जिंदगी एक दर्द बनकर रह जाती है तो हम इस दर्द को दूर करें तो आइए मेरे साथ चलिए एक कदम वैकल्पिक चिकित्सा की ओर और।, और आज से मैं प्रतिदिन आपके पास एक वीडियो भेजूंगी और बताऊंगी कि चिंता के क्या लक्षण हैं ये हमें क्यों होती है और कैसी कैसी चिंताएं बढ़कर हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं तो दूर करें इस चिंता के डर को करें योग और आयुर्वेद का आश्रय धन्यवाद